तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोगों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है काफ़ी सारे टॉपिक को जो है यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर हमारा BGMI पे एक नया नोटिस निकल गया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक्चुअली जुलाई से लेके इस अगस्त के महीने के अंदर जो है 3 लाख से ज़्यादा ID जो है यहाँ पर हमारा BGMI का बैन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों किस तरीके से बैन वगैरह होता है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका ID जो है वहाँ पर बैन होता है कुछ टाइम के लिए, कुछ लोगों का कुछ साल के लिए भी हो चुका है और कई लोगों का परमानेंट बैन हो चुका है। ठीक है, तो रीज़न एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से जो है बैन होता है, आपका ID जो है यहाँ पर बैन होने का चांस है, तो आप लोगों ने अगर इनमें से कोई भी गलती किया है तो आपका ID बैन होगा या नहीं, इस सारों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा आपका ID जो है यहाँ पर बैन वगैरह होगा या नहीं। ठीक है, तो काफ़ी सारा ID जो है आगे चल के आने वाले अगस्त के 31 अगस्त तक, ठीक है, यहाँ पर जो है काफ़ी सारा ID जो है यहाँ पर बैन होने वाला है। तो उसमें जो है उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो किस तरीके से पता करना है इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका वहाँ पर बैन हो चुका है तो उसे किस तरीके से रिकवर करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या कुछ सारा है, कैसा करना होगा ID बैन वगैरह को लेके क्लियर करने को, तो ये सारा डिटेल्स जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब कुछ डिटेल्स में ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन मिल जाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आगे इसी तरीके का और सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ जो है यहाँ पर डिटेल्स में समझा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं BGMI का जो नोटिस है नया वाला, मैं उसे आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, सिंपली क्रोम ब्राउजर पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BGMI। ओके, BGMI लिखने के बाद सिंपली मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पर जो भी फर्स्ट वाला वेबसाइट है, जैसे आप लोगों को पता होगा, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन्स पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूज़ वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन पे। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन लोगों ने यहाँ पर बैनर भी एक दिया हुआ है क्रैप्टन की तरफ से, एंटी चीट नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर डेट भी इन्होंने दिया है 7/30 यानी जुलाई 30 से 8/5 यानी 5 अगस्त तक इन्होंने कई सारे ID को यहाँ पर बैन किया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, चलिए इस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, इन्होंने पूरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, परमानेंटली बैन अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3,36,736 ID जो है यहाँ पर बैन हुआ है सिर्फ यहाँ पर जुलाई और अगस्त के मंथ पे। ठीक है, ज़्यादा नहीं दिन होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है 15 या 20 दिन होगा। इसके अंदर जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना, 3,36,000 बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना ID जो है परमानेंटली बैन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा बैन वगैरह होगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ बैन आपका ID बैन कैसे नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से आपको क्या करेंगे कि आपका ID जो है बैन वगैरह वहाँ पर नहीं होगा, वो सारा डिटेल्स मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्रैप्टन वालों ने काफ़ी सही चीज़ यहाँ पर निकाला है। ठीक है, ID वगैरह बैन कर देते हैं, सही चीज़ है, आप लोगों का कुछ मिस्टेक होता होगा, लेकिन इसमें से क्या है दोस्तों, जितने लोग हैक वगैरह यूज करते हैं पबजी का, ठीक है, उन लोगों का जो है यहाँ पर ID वगैरह बैन हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपका ID अगर बैन हो रहा है उसका रीज़न कुछ इस तरीके से हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी हैकर के साथ खेल के रैंक वगैरह पुश करते हो या फिर हैकर के साथ एक भी मैच खेल लिया, तो आपको जो है जो ओपोनेंट होते हैं जिन लोगों को आप मारते हो या फिर हैकर के द्वारा वो किल हो जाते हैं, तो वो जो है सारे टीम को वहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल में जो है इतना ज़्यादा रिपोर्ट को लेके कुछ इशू नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर BGMI पे जो है रिपोर्ट वगैरह को लेके, हैक वगैरह को लेके काफ़ी सा ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिक्ट किया है, और इसी के ही चलते जो है यहाँ पर जितना भी हैक वगैरह है, हैकर के साथ जो लोग खेलते हैं उन सभी का ID जो है यहाँ पर बैन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ पर दो दो या तीन दिन से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, भाई अपना जो है यहाँ पर BGMI का अकाउंट जो है यहाँ पर बैन हो गया है, बैन हो गया है। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट यहाँ पर आ चुके हैं, तो दोस्तों मैंने उन्हें कमेंट में भी बता दिया है कि
हैकर वगैरह के साथ अगर खेलोगे आप या फिर आप हैक करोगे तो BGMI पे ये जो है काफ़ी आसानी से डिटेक्ट हो जाता है और आपका अकाउंट जो है वहाँ पर बैन हो जाता है। ठीक है, तो कई लोगों का यहाँ पर दोस्तों जो है 24 घंटे के लिए या फिर 8-8 घंटे के लिए 12-12 घंटे के लिए ID बैन हुआ है, उन लोगों का वापस आ गया है। लेकिन कई लोगों का किस्मत इतना अच्छा भी नहीं है, उन लोगों का जो है परमानेंटली यहाँ पर बैन हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारा कुछ है यहाँ पर, आपका आईडी वगैरह या बैन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको कोई भी इस तरीके का इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है अपने आईडी के साथ, जैसे कि आपका आईडी वहाँ पर बैन हो। ठीक है, तो दोस्तों आप बैन वगैरह जो है हैक वगैरह मत कीजिए, गेम को गेम के जैसा ही खेलिए। हैक करके आप तो अपने गेम का तो यहाँ पर सत्यानाश करते ही हो, साथ ही में सामने वाले का। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप हैक वगैरह मत यूज करो। अगर कोई आपके टीम में आता है हैकर वगैरह, ठीक है, तो आप उसे वहां पर रिपोर्ट वगैरह कर दो ताकि वो वहां से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, BGMI से। तो दोस्तों यहां पर काफ़ी सारा आईडी जो है आप खेलते होगे तो रेगुलरली आपको मालूम होगा यहाँ पर काफ़ी सारा आईडी रेगुलरली बैन हो रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों का बैन हुआ है, आपने हैकर के साथ एक या दो बार खेल लिया है अनजाने में, आपको मालूम नहीं है आपने खेल लिया है, तो उसे किस तरीके से वापस लाना है मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर BGMI में आने वाला है एक सेटिंग वगैरह कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ जाएगा, वहाँ पर जो है आपको तो वहाँ पर जो है दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से आएगा हेल्प वगैरह का फीचर, जिससे आप जो है वहाँ पर, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो है रिपोर्ट वगैरह को अपने मुताबिक वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, यानी आप वहाँ पर अपने बैन के खिलाफ जो है कुछ सबूत वगैरह दे सकते हो, यानी अपने आईडी का प्रूफ वगैरह दे के वहाँ से बैन को जो है हटा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सारा कुछ अपडेट आगे आने वाला है, तो जब भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी इस तरीके का नोटिफिकेशन लाता रहूँ वो सारा डिटेल जो है आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, तो मुझे जहाँ तक होगा मैं जो है आप लोगों का हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।